हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, वैसे आप सभी जानते हैं कि आजकल डार्क मोड बहुत ही ज़्यादा फेमस है। हम हर एक एप्लीकेशन में डार्क मोड आजकल इस्तेमाल करने लगे हैं। अब चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, जिसमें अभी अभी रिसेंटली ही डार्क मोड अभी आया था और उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, अगर आपने देखी हो तो। और अभी भी काफ़ी एप्लीकेशंस हम देखें तो बहुत सारी एप्लीकेशंस में डार्क मोड चल रहा है, किसी में बीटा वर्जन चल रहा है, किसी में ऑफिशियली आ भी गया है। ऑलमोस्ट आजकल हर स्मार्टफोन में भी, जो कि आजकल नए स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं, उसमें हमें डार्क मोड देखने को मिल जाता है। और आजकल विंडोज 10 में भी डार्क मोड आ गया है। और आज की वीडियो है इसी बारे में कि आप विंडोज 10 में कैसे अपना डार्क मोड ऑन कर सकते हैं। अगर आपको पता है तो सही है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आप भी अपने विंडोज में डार्क मोड ऑन करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, वैसे अगर बात करें डार्क मोड की, तो डार्क मोड हमारी आंखों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, इसीलिए काफ़ी एप्लीकेशन जो है वो ट्राई करती रहती हैं, या एप्लीकेशन कंपनी हो गई या कोई स्मार्टफोन कंपनी हो गई, कि अपने यूज़र को अच्छा एक्सपीरियंस दे। और डार्क मोड आजकल आप जानते हैं काफ़ी फेमस है, हमारी आंखों के लिए भी काफ़ी सही होता है, जिससे क्या होता है कि आंखों पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता ब्लू लाइट स्क्रीन का, और क्या है कि हमारी आंखें सेफ रहती हैं ब्राइट स्क्रीन से। इससे क्या होता है कि हमारी आंखों पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, और जो है हमारे स्ट्रेन नहीं पड़ता, हमारी आंखों पे स्ट्रेन कम हो जाता है, इसीलिए काफ़ी मतलब ज़्यादा फेमस है डार्क मोड। और काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस में आजकल यूज़ हो रहा है, जैसे कि टेलीग्राम, व्हाट्सएप, मैंने पहले ही बता दिया है, और बहुत सारे स्मार्टफोन्स में वैसे ही आ चुका है। और विंडोज 10 में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ईजी मेथड है, कुछ नहीं है, बस सेटिंग्स में जाके कुछ चेंज करना है, वहीं पर आपको डार्क मोड का ऑप्शन मिल जाता है। चलिए, आपको मैं ले चलता हूँ अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे, और आपको दिखाता हूँ कि आप डार्क मोड कहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम चेक करते हैं कि कहाँ पर हमें डार्क मोड मिल जाता है। ये है हमारी लैपटॉप की स्क्रीन, और हमें बस कुछ नहीं करना, हमें जाना है हमारी सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद हम सेटिंग्स में चले जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरी ये फुल सेटिंग डार्क मोड में है, जो कि मैंने पहले से ऑन कर रखा है आपको दिखाने के लिए। देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है, अगर आप अंधेरे में भी काम करते हैं तो काफ़ी अच्छा व्यू आपको देखने को मिल जाता है, और आपकी आंखें जो है वो ख़राब नहीं होंगी, और आप ब्लू लाइट फिल्टर से भी अपनी आंखें बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये चौथा ऑप्शन जो आपको दिख रहा है पर्सनलाइजेशन का, इस पर जाना है, और इस पर जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पर थीम्स वगैरह के बैकग्राउंड कलर्स, लॉक स्क्रीन थीम्स, और ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसमें से आपको जाना है कलर्स पे। और आपको कलर्स में जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि मैंने डार्क मोड ऑन कर रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको लाइट ऑन कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं ये लाइट मोड ऑन हो चुका है, जो कि हमारा विंडोज़ का डिफॉल्ट होता है, जिसे हम चेंज कर सकते हैं। हम इस पर दोबारा से क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद हम इसमें डार्क मोड ऑन कर देंगे, तो हमारा डार्क मोड कुछ इस तरह का दिखता है। दोस्तों, आप भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है, और इससे क्या होता है कि हमारी आंखें बची रहेंगी, और हमें जो है वो स्ट्रेन नहीं होगा ज़्यादा, आंखों में दर्द नहीं होगा, और हम वैसे भी रात को कम काम कर सकते हैं, अगर थोड़ी बहुत हम ब्राइटनेस को इंक्रीज वगैरह भी कर दे तो भी उससे भी फ़र्क पड़ता है वैसे। लेकिन एक डार्क मोड जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है हमारी आंखों के लिए, जिससे हमारी आंखें दर्द नहीं करती हैं, और इसे हम ऑन कर दे तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो ऐसे करके हम डार्क मोड ऑन कर सकते हैं, सिर्फ सेटिंग्स में ही नहीं, जैसे कि मैं आपको दिस पीसी यानी मेरा माई कंप्यूटर खोल के दिखाऊं, तो यहाँ पर भी आपको ऑफिशियली डार्क मोड मिल जाएगा। मैं चाहे कुछ भी खोलूँ, यहाँ पर सबको सारा कुछ है, आपको डार्क मोड में मिलेगा। तो दोस्तों, ये ऑफिशियली आपको डार्क मोड में मिल जाता है, जैसे कि आपने मैंने स्टार्ट मेन्यू भी ओपन करके दिखाया, ये आपको डार्क मोड में मिलेगा। तो दोस्तों, इसका ये कुछ बेनिफिट है कि हमें सब कुछ हमें डार्क मोड में देखने को मिल जाता है, और डार्क मोड में जो है वो काफ़ी अच्छा व्यू हमें देखने को मिल जाता है, जैसे कि मैं ये रिफ्रेश मेन्यू खोल रहा हूँ तो ये भी हमें डार्क मोड में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, इस तरह आप डार्क मोड को ऑन कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, और काफ़ी अच्छे से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छा रहता है ये आपकी आंखों के लिए भी। दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपको अच्छी लगी हो, और आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या मैंने आपको बताया है और कैसे आप अपनी वीडियोस में डार्क मोड ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना,
ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिले। मैं आगे भी ऐसा कंटेंट लाता रहूंगा, और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं और अपने आप को भी मैं इम्प्रूव कर सकूं, और मुझ में भी कोई कमी लगी हो मेरी वीडियो की प्रेजेंटेशन में या मेरे बोलने के तरीके में, कुछ भी कमी लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं खुद को इम्प्रूव कर सकूँ आगे की वीडियोज़ के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली ही एक ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड टेक केयर।